to another interesting video. So this video will be dealing with the next topic of carbon and its compound, that is chapter 4. And now we'll be talking about versatile nature of carbon. So before that, make sure you have subscribed the channel and hit the bell icon for latest update, and do watch our previous video on the introduction of carbon and a compound so that you can get what are the basic idea for the chapter. So let's start. So in the last video we have studied कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के, जिसमें सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हमने देखा था मीथेन का, CH4 का, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है, और उसके बारे में हमने उसकी बॉन्डिंग देखी थी, सिंपलेस्ट बॉन्डिंग थी. अब बात करें अगर हम कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन की, तो ये एस्टिमेट किया गया है कि जो फॉर्मूले एक केमिस्ट को नोन है रिसेंटली, वो प्लस टू मिलियंस है. मतलब मिलियंस ऑफ फॉर्मूलेज हैं जो कि कार्बन ऑफ कंपाउंड से बनाए जा चुके हैं, और भी फर्दर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि जनरेट हो सकते हैं. तो इसमें दो फैक्टर्स हमने नोटिस किए कार्बन के केस में, वो फैक्टर्स क्या थे. तो पहला फैक्टर था कि कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन. मतलब कार्बन खुद के ही एटम से, खुद के ही एलिमेंट के एटम से बॉन्ड बना सकता है. और कैसे कि एक लार्ज मॉलिक्यूल, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो केवल किसके, कार्बन ही कार्बन के. और क्योंकि ये खुद से ही, खुद के एटम से बॉन्ड बना सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन. सो यहाँ पर एक टर्म जनरेट हुई, कैटेनेशन, किसके लिए, कि कोई भी एलिमेंट, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन. अब ये जो बॉन्ड्स हैं खुद के ही एटम से, कार्बन मॉलिक्यूल से, तो ये कैसे हो सकते हैं कि इनमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और इनका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, ब्रांच्ड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं. अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उनको यहाँ पर टर्म दी गई है सैचुरेटेड कंपाउंड्स. और वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम देखते हैं, उन कार्बन एटम्स को हम कहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. दूसरे एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें ये प्रॉपर्टी बहुत ही कम देखी जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकन को लें, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है, और इसकी जो चेन होती है वो अप टू 7 और 8 एटम तक रहती है, और ये कंपाउंड जो होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है. वहीं कार्बन कार्बन एटम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स खुद के कार्बन एटम से लिंक्ड करता है. सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखें कार्बन की, तो क्या है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4, और कैपेबल होता है बॉन्डिंग का विथ 4 एटम अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स. यानी कि इसकी 4 वैलेंसी होती है, और ये 4 दूसरे के एटम से, दूसरे कार्बन एटम से फॉर्म करता है बॉन्डिंग, और जो इनके एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं एलिमेंट के. कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, वो किससे फॉर्म्ड होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और दूसरे कई एलिमेंट्स. अब इनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है कि एलिमेंट्स और उनके अदर
carbon present in the molecule. Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. In compounds ko stable banane ke liye, inke andar kya hoti hai? Strong bonding hoti hai. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold on to the shear pair of electrons strongly. Another reason है कि इसका जो size होता है carbon का वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जो attraction होता है nucleus जो electrons पे लगाता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होती है pairing electron strongly उसे bind up करके रहते हैं, bond बना के रहते हैं. और the bond formed by elements having bigger atom are much weaker. Comparatively अगर हम देखें जितना छोटा size होगा उतना ज़्यादा उसका bonding होगी, उतनी strongly bonding वो करेगा, और जितना size जैसे बढ़ता जाएगा उसकी वैसे bonding weaker होती जाएगी. So next topic is saturated and unsaturated carbon atoms. पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स वो जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो. तो यहाँ पे फर्दर हम देखेंगे कि इनकी ये बॉन्डिंग, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है. और उसके बाद में जो रिमेनिंग इनकी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करनी है हम किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में इनकी फर्दर वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे. तो पहले स्टेप में कार्बन को कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है, ठीक है. अब यहाँ पे तीन वैलेंसीज बची, यहाँ पे एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे करके एक कार्बन पे तीन वैलेंसी बची. तो जितनी वैलेंसी बची यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन को. तो यहाँ पर अब ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद दी थ्री हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है. अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, ऐसे ही C3H8 का सिमिलर मैनर हम करेंगे, ठीक है. सो वी विल सी दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द कंपाउंड्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम. सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव. जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते. वहीं अगर बात करें अनदर कंपाउंड की, कार्बन की एंड हाइड्रोजन, हैज़ दी फॉर्मूला C2H4 एंड इज कॉल्ड ईथीन. हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपेक्टेड, वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच एज फॉलोज. जैसे हमने पहले स्टेप फॉलोज किए थे वैसे हम इसके लिए करेंगे. तो कार्बन कार्बन एटम्स लिंक करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में रिमेनिंग वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड जो भी होगा वो किससे पूरी होगी, हाइड्रोजन एटम से. अब सिमिलरली इथाइन के लिए, अब यहाँ पर इथाइन, यहाँ पे क्या है इसका फॉर्मूला C2H3, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन के अंदर, और रिमेनिंग वैलेंसी किससे पूरी हो जाएगी, हाइड्रोजन से, ठीक है. तो ये हो गया इथाइन. अब आगे करें कि जो दो कार्बन एटम्स होते हैं, ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी, तो यहाँ पे नेसेसरी बॉन्डिंग जो भी होती है वो हम कर लेते हैं, और बाद में जो भी रिमेनिंग वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन से पूरी करते हैं. अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स को डिपिक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम काम में लेते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ ये कार्बन है एक और ये कार्बन है, तो यहाँ पे तीन एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके आ जाएंगे. तो यहाँ पर ये जो डॉट स्ट्रक्चर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को. अब इनके कार्बन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एज ए चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स में भी देखा जा सकता है. तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के कार्बन और हाइड्रोजन के. तो सबसे पहले मीथेन, इसका फॉर्मूला है CH4 और इसका स्ट्रक्चर है ऐसा. इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8,
ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 और एक्जेन C6H14। ऐसी फर्दर ये सीरीज चलती जाती है। अब आते हैं, ये तो हमने बात की चेन फॉर्मेशन की, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, ये दोनों ही स्ट्रक्चर किसकी हैं, C4H10 की, पर यहाँ पे तो ये लॉन्ग चेन टाइप है और यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है इसकी, ये क्या है, ब्रांचेस के फॉर्म में और ये चेन के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि आइडेंटिकल हो मॉलिकुलर फॉर्मूला में पर उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हो डिफरेंट, उनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया ब्रांच की, चेन्स की, अब रिंग्स की फॉर्म में। तो एक एग्जांपल लेंगे साइक्लोहेक्सेन C6H12 यहाँ पर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स को, और अगर फर्दर बात करें तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अमंग दीज जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एल्केन्स। एल्केन्स क्यों, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और किससे बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो जहाँ पर वन और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको हम कहेंगे एल्कीन्स, ठीक है, और दोज जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पे एल्काइन्स, ठीक है। तो एल्केन्स सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स डबल बॉन्ड और एल्काइन्स ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ, अगेन आई विल बी कमिंग विद अनदर वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एंड गो फॉर द प्रीवियस वीडियोज वेयर वी हैव डिस्कस्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।